हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे भोला फिल्म, जो कि 2023 में रिलीज़ हुई। 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म है। तो इसकी स्टार कास्ट में कौन कौन है? इसमें अजय देवगन मेन लीड में है, राई लक्ष्मी का आइटम नंबर है, तबू है, अमला पॉल का बहुत छोटा सा रोल है, दीपक डोबरिया जिन्होंने विलन का रोल प्ले किया है, विनीत कुमार जिन्होंने निठारी का रोल प्ले किया है वो भी एज ए विलन है, संजय मिश्रा है जो कि एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है, उसके बाद मकरंद देशपांडे है जो कि प्रिजन के अंदर बंद होते हैं, अर्पित रान का है, केतन करंडे है, गजरज राव है, आशा सुधीर है, आसिफ खान है, किरण कुमार है और अश्विनी गिरी है। तो बेसिकली जो भोला फिल्म है ये आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये मास्टरपीस एक्शन थ्रिलर फिल्म है। 3D में भी अवेलेबल है, 2D में भी अवेलेबल है। IMDb पे इसका रेटिंग है 8.3 स्टार आउट ऑफ 10 स्टार। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 4.1 स्टार रेटिंग दिया है आउट ऑफ 5 स्टार। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, भोला इज़ फाइनली गोइंग टू होम टू मीट हिज यंगर डॉटर। हाउ एवर हिज जर्नी इज नॉट सो सिंपल एज ही सून फेसेस अ पाथवे फुल ऑफ क्रेजी ऑब्स्टेकल्स विथ डेथ लर्किंग अराउंड एवरी कॉर्नर। भोला अपने 10 साल के इम्प्रिजनमेंट जेल के बाद अपनी बेटी से मिलने जाता है, लेकिन बीच में का जो जर्नी होता है वो इतना सिंपल नहीं होता और कई सारे क्रेजी ऑब्स्टेकल्स ने कई सारे प्रॉब्लम्स बीच में आते हैं, तो ये इस फिल्म में दिखाया गया है। 30 मार्च 2023 को फिल्म रिलीज़ हुई। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर अजय देवगन ही है। अदर प्रोड्यूसर्स में भूषण कुमार, किशन कुमार, एस आर प्रभु एंड एस आर प्रकाश बाबू, और म्यूज़िक डायरेक्टर है रवि बसरूर। और ये फिल्म इसलिए भी खास रही क्योंकि इसका कलेक्शन अच्छा था इस फिल्म का, और इसमें लास्ट में जो सीन है, जैसे बोला जो कैरेक्टर प्ले करते हैं अजय देवगन अपने बेटी से मिलने का, तो वो लास्ट में थोड़ा इमोशनल सीन है, वो रुला देता है आपको क्योंकि इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इस फिल्म का बजट था 100 करोड़। स्टोरी थी लोकेश कनगराज की, और 2019 में एक फिल्म आई थी कई थी, तो उस फिल्म के सेम इस फिल्म को बनाया गया है, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं। फिल्म का कुछ कुछ सीन आपत्तिजनक था, जैसे कि भोला फिल्म में दिखाते हैं कि अजय देवगन 2 थाली में मांस खा रहे हैं, उनको काफ़ी भूख लगी है। तो अगर हम हिंदू के वैल्यूज़ पे फिल्म बना रहे हैं तो इसमें आपको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, जो कि गलत प्रदर्शित होता है, क्योंकि आप शंकर भगवान के प्रति आपने फिल्म का टाइटल दिया है और जो है काफ़ी ख़राब लगता है। दूसरा ये है कि ये जो फिल्म है इसमें एक सीन ये भी गलत है कि जब ये ट्रक चलाते हैं अजय देवगन, तो वो दारू पी के ट्रक चलाते हैं, बट कई सारे जगह पे ऐसा प्रैक्टिस है कि जब रात में ट्रक चलाना है तो ड्राइवर दारू पी के ही चलाते हैं। बाकी फिल्म का सेकंड वीडियो हम बनाएंगे, उसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। इसका जो एक्शन है वो थोड़ा अच्छा बनाया अजय देवगन ने, क्योंकि जैसे कोई भाला चुभाता है, घुसाता है शरीर के अंदर, तो किसी आदमी के अंदर जब जाता है तो आर पार जाते हुए दिखाया भी है। तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए और आप इंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म को। और दीपक डोबरियाल ने विलन का कैरेक्टर प्ले किया है इसमें। एक्चुअल जो मेन विलन है वो दिखाया गया है अभिषेक बच्चन को, वो सेकंड वाला पार्ट जो आएगा फिल्म मूवी का उसमें दिखाएंगे। तबू जो है उन्होंने डायना जोसेफ IPS ने मेन जो पुलिस ऑफिसर रही थी उनका कैरेक्टर प्ले किया है। राई लक्ष्मी का आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा है। आमला पॉल की बहुत छोटी सी भूमिका है लेकिन वो भी अच्छी है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपको फिल्म कैसी लगी, और मैं आपको बताना चाहूँगा मास्टरपीस फिल्म थी ये। और इसमें तब्बू और अजय देवगन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है,
दोनों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। 3D में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, बट ये फिल्म 2D में आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब पावर पैक मूवी विथ वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन्स एंड सुपर्ब डायरेक्शन इन बॉलीवुड मूवी इन रिसेंट टाइम्स। रीमेक ऑफ द साउथ फिल्म कई थी बट इन अ गुड वे। स्टार कास्ट एंड एक्टिंग वेर अप टू द टॉप नॉच, अनबिलीवेबल। लोग एक्चुअली हॉलीवुड मतलब जो मूवी रहती है तमिल तेलुगु उसको ही कॉपी करके उसको हॉलीवुड टच का दे के ऐसा आउटस्टैंडिंग मूवी बनाते हैं, बट अजय देवगन का परफॉर्मेंस बहुत ही पावरफुल है इसमें। वो जो मार धाड़ एक्शन करते हैं वो,